उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी और मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें अवगत कराया कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर भी अतिशीघ्र उपचुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मंगलौर में विधायक सरवत करीम अंसारी के चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन उनके निधन के बाद इस याचिका को वापस लेने के लिए नवंबर महीने में ही कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे दिया गया था। उस पर उच्च न्यायालय ने बीते रोज याचिका वापस करने का आदेश जारी कर दिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आग्रह किया कि चूंकि सरवत करीम अंसारी का निधन पिछले साल 30 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 6 महीने के भीतर यानी 30 अप्रैल तक ये रिक्त सीट भरी जानी आवश्यक है। एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। 30 अक्टूबर को इंतकाल होता है, नवंबर में विड्रॉल के लिए पेटिशन के विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाल दी जाती है और उस पूरे प्रक्रिया में 2-3 महीने लगे हैं, लेकिन क्योंकि इंतकाल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे 30 अप्रैल को, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही गंभीरता से संगीत और एक बहुत ही मौजूद और जायज़ डिमांड उत्तराखंड कांग्रेस की है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में भी बाई इलेक्शन बाकी प्रदेशों के बाई इलेक्शन के साथ कराने की कोशिश की जाए।